जर्नी कुछ इस तरह है। हम निकले हैं मुंबई टू अलीबाग। ये राइड ऐसी होने वाली है, पानी से राइड होने वाली है। तो गाइस प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, और मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ये आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने इससे ये मेरे लिए बहुत अलग था एक्सपीरियंस, इसका बहुत अलग था, तो ये एक्सपीरियंस मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपके कुछ प्लानिंग से अलीबाग साइड कुछ वीकेंड के प्लानिंग है तो इस ट्रिप से आप ज़रूर ट्रैवल करना। बहुत ही सस्ते में, मतलब सस्ते में मस्त ऐसा कुछ ये है मुंबई की भाषा में कहूँ। तो वीडियो प्लीज़ ज़रूर एंड तक देखना। तो ये है रोरो एम टू एम फेरीज जो डेली मुंबई टू मांडवा की तरफ निकलती है अलीबाग साइड। तो काफ़ी बड़ी है गाइज, ये बड़ी शिप है। तो यहाँ पर 150-200 के आसपास तो कार खड़ी है, नीचे 100 के आसपास तो पकड़ लो, मैं अभी इतना गिना नहीं। तो काली पहला आप शिप देख लो, मैं पूरा शिप दिखाता हूँ, उसके बाद आगे का बुकिंग कैसे करते हैं, पर पर्सन कितना लगता है, बाइक का कितना पैसा है, फिर कार्स का कितना है, मैं डिटेल में दूंगा। पहले आपको मैं शिप दिखाता हूँ, तो वीडियो एंड तक देखना। तो अब हम आए हैं शिप के टॉप एरिया पर। टॉप एरिया पर एक कुछ ड्रिंक करने के जो शॉकिंग है उनके लिए काफ़ी अच्छी सुविधा है, मतलब सामने बैठकर चिल करो और सामने का नज़ारा मतलब समंदर पूरा। तो देख लो गाइस वीडियो, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना, मैं पूरा डिटेल में बताऊँगा। और यह समंदर का व्यू देख लो, मतलब फुल पैसा वसूल आपकी राइड होने वाली है समंदर से, मुंबई टू अलीबाग फुल पैसा वसूल आपकी राइड होने वाली है। तो वीडियो एंड तक देखना। फ्रंट के साइड में अभी हम जा रहे हैं बैक के साइड में, आपको दिखाता हूँ बैक साइड भी दिखाता हूँ इसका। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना। और इसकी बुकिंग कैसे की जाती है, अगर आप इस शिप का आपको ट्रैवल करना है तो ऑनलाइन बुकिंग करके ही आना, ऑफलाइन का ट्राई भी मत करना, ऑफलाइन यहाँ पर ज़्यादा मतलब लेते नहीं है, तो ऑनलाइन ट्राई करके आना, ऑनलाइन की ही बुकिंग यहाँ पर की जाती है। तो ये बैक साइड का, बैक साइड का भी काफ़ी बड़ा एरिया है, तो आपको दिखा देता हूँ। और सेफ्टी के मामले में बहुत कुछ यहाँ पर है, तो पार्किंग एरिया भी बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है इसका। ये पूरा बैक साइड का पार्किंग एरिया है, तो हम अभी खड़े थे बैक साइड में, तो आप देख लो यहाँ पर कुछ चेयर्स भी है बैक साइड में। बैक साइड में कुछ ड्रिंक के लिए नहीं है, फ्रंट साइड में। तो संडे होने के कारण आज काफ़ी गर्दी है, काफ़ी लोग घूमने के लिए निकले बाहर। तो दिखाता हूँ आपको पूरा डिटेल में, तो वीडियो एंड तक देखना। अगर इस शिप से आपको आना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन करके ही आना, ऑनलाइन का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, नहीं तो आपको मैं दिखा भी दूंगा ऑनलाइन का कैसी प्रोसेस करते हैं। तो ये हो गया अपना जो ड्रिंक के लिए है, जो फ्रंट में ड्रिंक का है और काफ़ी अच्छा है, मतलब एंजॉय करते करते आप सफ़र कर सकते हो। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, तो नीचे का जो फर्स्ट फ्लोर का समझ लो, मैं अभी फर्स्ट फ्लोर पर हूँ, नहीं सेकेंड फ्लोर पर था, अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पर जा रहा हूँ, तो अभी हमें फर्स्ट फ्लोर पर। तो यहाँ पर भी काफ़ी बड़ा है, अभी हम बैक साइड में ही है, तो बैक साइड का आपको दिखाता हूँ, बैक साइड का भी काफ़ी बड़ा एरिया। मैं फ़िलहाल आपको एयर कंडीशन रूम नहीं दिखा रहा हूँ, मैं शिप के बाहर साइड का एरिया दिखा रहा हूँ। तो पहला बाहर साइड का एरिया दिखाता हूँ, उसके बाद जो एयर कंडीशन रूम है इसका, मतलब शिप का जो खास बात है एयर कंडीशन रूम, वो काफ़ी अच्छा है। आप देख कर काफ़ी खुश हो जाओगे कि इतने कम पैसे में इतनी मतलब फैसिलिटी जो दी जा रही है यहाँ पर, वो काफ़ी अच्छा है। तो देख लो इस समंदर पूरा, देख लो गाइस, ये है कार पार्किंग एरिया, जो शिप के ऊपर का जो कार पार्किंग एरिया कितना बड़ा है, और इसके नीचे भी कार पार्किंग होते हैं। तो ज़रूर ये इस राइड का एक बार ज़रूर आप ट्राई करना, ये राइड ज़रूर ट्राई करना लाइफ में। तो मैं आपको बाहर की साइड का पूरा दिखाया, तो अब मैं दिखाता हूँ इस शिप का बेस्ट पार्ट जो है ये, तो आपको अंदर लेके जाता हूँ। ये है पूरा एयर कंडीशन रूम,
एसी रूम है पूरा, तो यहाँ पर आप फैमिली के साथ बैठकर आराम कर सकते हैं। जो भी आपको कुछ ऑर्डर करना है, कुछ खाने का है, तो यहाँ पर आपको मिल सकता है। तो आप देख लो कितना, मतलब दिखने में कितना खूबसूरत है, कितना सुंदर है, और यहाँ से कुछ भी आप ऑर्डर कर सकते हैं खाने के लिए। तो बस एक बार ज़रूर इस सफ़र का एंजॉय करना और ऑनलाइन बुकिंग करके ही आना। मैं आपको ऑनलाइन का भी बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देता हूँ, पर ऑनलाइन बुकिंग करके ही आना। ऑफलाइन आपको यहाँ पर लेंगे नहीं, अलाउड नहीं करेंगे, पर ऑनलाइन करके ही आना। और काफ़ी सस्ता है, आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा डिटेल दे देता हूँ। और बस 1.5 घंटा या 1 घंटे के आसपास आप अलीबाग पहुँच जाओगे।